हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे से यूट्यूब चैनल फ्रेंड में विकास सक्सेना और आप देख रहे हो विकास जी टेक फ्रेंड। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हब वीपीएन ऐप के बारे में, क्या इसे कैसे यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करके सर्च कर देना होगा और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो चलिए इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इंस्टॉलर ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 3.3 की रेटिंग, 10 लाख प्लस डाउनलोड भी है फ्रेंड। यह एक वर्ड सर्वर ऐप है जिसमें आपको बहुत सारे कंट्री का सर्वर मिल जाएगा। आइए जानते हैं इसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग होने लगेगा। लोडिंग होने के जस्ट बाद यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड स्किप कर देना होगा या क्लोज कर देना होगा। जैसे आप ऐड क्लोज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इस पर क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो सेलेक्ट सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वीपीएन और वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। चलिए यहाँ पे सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्वर देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जो भी सर्वर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं और कौन सा सर्वर यूज कर सकते हैं। तो आपको नेट का स्पीड क्या हो सकता है यहाँ पर बताया गया है। आपको कोई भी एक सर्वर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ओके का परमिशन मांगेगा, तो आपको ओके कर देना होगा। जैसे आप ओके कर देते हैं अब यह वीपीएन आपके फ़ोन में कनेक्ट होने लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड क्लोज कर देना होगा। जैसे आप ऐड क्लोज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो चुका है, तो इसी तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डाटा डाउनलोड अपलोड का स्पीड देखने को मिलेगा और अपलोड का स्पीड देखने को मिलेगा। ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं इनेबल कर सकते हैं, या इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया, आप इस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। कोई हेल्प लेना चाहते हैं हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर आपको इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड क्लोज कर देना होगा। जैसे आप ऐड क्लोज करेंगे अब यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। यदि आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसे वॉलपेपर पे सेट करना चाहते हैं, या इसे आप लाइक करना चाहते हैं लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड स्किप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे यह इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, या वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, या आप दूसरा वॉलपेपर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से दूसरा भी वॉलपेपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर आपको वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप वीडियो देखना चाहते हो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितना भी वीडियो देखना है आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या उस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड, इस वीपीएन को यूज करके आप फ्री फायर खेलना चाहते हैं, पबजी खेलना चाहते हैं, या आपके कंट्री में कोई ऐप बैन है और आप उस ऐप को चलाना चाहते हैं, या कोई वेबसाइट चला रहे हैं तो आपको वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा, तो आप इस वीपीएन को कनेक्ट करके कोई भी वेबसाइट चला सकते हैं, या आप इसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।